लीड इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और हम वार्ड क्रमांक 17 में घूमकर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के विकास की गंगा वार्ड क्रमांक 17 ग्राम पंचायत मोहनपुर में बह रही है। हमारे सामने और कुछ लोग हैं, आइए, नेताजी हैं और भी उनके साथ कुछ समर्थन में लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि मोहनपुर पंचायत में पिछले 5 सालों में विकास की जो गंगा है कितनी बह रही है, बताइए सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। मोहनपुर पंचायत से हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, जिसके धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है, जिसका नाम झुगली देवी है। आज वर्तमान में जो हमारे मोहनपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो भी विकास हुआ नहीं के बराबर हुआ। आज हमारे वार्ड नंबर 15-16 के बीच एक सड़क है, जो मार्ग वो स्कूल तक जा रहा है, उस मार्ग का निर्माण आज जो भी मुखिया यहाँ के बने उसका विकास नहीं हो पाया, न स्कूल जाने के लिए बच्चों का रास्ता बना है, न वहाँ के जो शिक्षक है उनके लिए कोई सुविधा दिया गया है। शिक्षा की कोई सुविधा कुछ नहीं, शिक्षक को इतना पानी में जाना पड़ता है, वो जाते हैं कादों में जाते हैं और बार बार इस बात का भी विरोध हम लोग किए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पत्नी जो झुगली देवी है, इस बार के चुनाव में सहयोग है, वहाँ के 15-16 नंबर बूथ से जो है उनका सहयोग मिल रहा है। अच्छा। और चाह भी रहे हैं कि हर घर में पक्के का मकान बने, हर घर में शौचालय बन जाए और वो रोड जो टूटा फूटा है उस रोड को निर्माण कर बच्चों को जाने के लिए बढ़िया सुविधा बनाया जाए। अच्छा। जिससे सही सलामत बच्चा स्कूल बरसात में भी जा सके। हर नेताजी आते हैं, बड़ी बड़ी लुभावनी और बड़ी बड़ी बातें बोल कर जनता को चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 सालों तक 10 सालों तक जनता तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। कई चीज़ें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, आवास हो, चाहे पशु शेड हो, चाहे वो शौचालय हो, यार बहुत सारे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो बढ़ते जा रहा है, इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए इस मोहनपुर पंचायत को आपके पास क्या योजना है? हम अगर पंचायती चुनाव में मुखिया के पद पर हमारी पत्नी आती है तो जिस जो भी विकास जमीन पर होना है वो विकास होगा। जिस तरह से अभी बोले शौचालय का बात, सड़क का बात, कभी कभी देखिएगा बिजली में पोल लाइन रात भर गुल रहता है, लाइन की भी सुविधा नहीं रहती है। जिस समय बच्चा को पढ़ने का समय होता है 6 से 8 बजे रात तक, उस समय तक बिजली नहीं रहता है, उसके बाद 10-11 बजे रात को बिजली देता है। तो कहने का मतलब हम लोग सभी गांव के वासी सहयोग करके मुखिया को भी कहते हैं कि भाई देखो बिजली का सुविधा उत्पन्न करवाओ जिससे बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकें। जब 9-10 बजे रात में आता है बिजली तो उसमें तो बिजली गुल रहता है तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते और शिक्षा का अभाव होता है। तो कहने का मतलब है हमारा कि जो भी मेरा क्वेश्चन था, भ्रष्टाचार से मोहनपुर को किस प्रकार आप मुक्त करेंगे? भ्रष्टाचार से मुक्त करने क्या योजनाएं रहेगी आप? हमारी यही योजना है कि शिक्षक जो है यहाँ के स्कूल में आवें समय पर, बच्चों को साथ पढ़ावें लिखावें, स्कूल जाने का जो मार्ग है वो मार्ग को मुखिया सही कर दें। तो भूतपूर्व का मुखिया तो नहीं कर पाए, अगर हमारी सरकार आती है, हम मुखिया बनते हैं, हमारी पत्नी बनती है, तो पहला उस बच्चे के लिए स्कूल जाने का रास्ता बना देंगे। अच्छा। और रोड के किनारे इतना कचरा है, हर घर का, गली का, जल योजना का जो भी पानी है वो रोड पर है, उस रोड को मैंने ठीक करने के लिए बगल से एक नली का निर्माण करना होगा जिससे रास्ता का भी सही सलामत उपयोग होगा, उसमें आदमियों का जाने के लिए, किसी भी को जाने के लिए सुविधा होगी। और शिक्षा में तो यही चाहते हैं, और दूसरी बात है कि हर गरीबों का इंदिरा आवास एक बने। सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है वो कागज कलम पर नहीं रहे बल्कि जमीन में रहे, आवास बनना चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत लोगों से बात की, कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि हमसे घूस मांगा जाता है, है ना, और जो भी काम करते हैं घूस हमसे लिया जाता है। तो इस घूस को ख़त्म करने के लिए, मतलब क्या कितनी सच्चाई है कि हाँ घूस लिया जाता है, पहले आप बताएं कि लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर लेते हैं तो आपके आने के बाद अगर आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? हम आप देखिए, इसको रुकिए थोड़ा सा साइड कीजिए, हम आपसे मौखिक बात बोलते हैं। हमारे सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ये चलाया गया कि तिलक नहीं लिया जाएगा, अच्छा नाबालिग बच्चे का शादी नहीं होगी,
तिलक का प्रथा समाप्त किया जाए, दहेज प्रथा जिसको आप कहते हैं। अच्छा, तिलक प्रथा मतलब दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा अगर लड़की वाला नहीं देता है कुछ भी, तो लड़का वाला शादी करने से इनकार करता है। पहले सुन लीजिएगा हमारी बात को। तो जो देता है, जो लेता है, ये दोनों कहने के लिए इनकार करता है, लेकिन जब काम किसी योजना को लटकाया जाता है तब चिल्लाने लगता है, तब जनता के बीच में आके कहता है हमसे दुनियादारी से कि देखो भाई हमारा पैसा ले लिया और हमारा काम नहीं। तो इस विषय में क्या हम बोले? और क्या, अच्छा ये बताइए क्या घूस लिया जाता है गरीब जनता से जब उन्हें आवाज आता है? जानते हैं आप? बताइए, हम नहीं जानते, हम नहीं, आप बताइए, हम इसमें क्योंकि हम दूर से हैं और आप आपके पंचायत में आपकी जानकारी के लिए। पदाधिकारी लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, मुंह देखिए, हम काम मुंह देख करके कि अपना आदमी है उसको दे दिया कोई काम। चलिए दो मिनट रुके, हम आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं कुछ। तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। आवाज जो मिलता है उसमें घूस ली जाती है? मेरा पता नहीं है। आपको पता नहीं? क्या होता है? घूस लेता है। घूस लेते हैं? लेता है। क्या होता है, घूस ली जाती है? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, ठीक है इस बातों को, तो सच्चाई सही है, सच है। हाँ, लेते हैं तो बताए, नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं सर, ये अकेला बल्कि कोई मुखिया ही नहीं लेते हैं, हर कोई लेते हैं, वार्ड लेते हैं, समिति लेते हैं, मुखिया लेते हैं, हर कोई मांग करते हैं, हर कोई मांग करते हैं। अब क्या क्या बोलते हैं? सही बात, घूस लेते हैं। हाँ लेते हैं। जो जैसा आदमी रहता है वैसा काम करता है, किसी से जैसा आदमी रहे वैसा घूस लेते हैं, किसी से लेता है, किसी से नहीं भी लेता, किसी से छोटा घूस, हाँ किसी से बड़ा घूस, ऐसा है। क्या बात है नेताजी, आपके साथ जो लोग हैं, जो जनता यहाँ की है ना, बता रहे हैं कि यहाँ छोटे से छोटा घूस, बड़े से बड़ा घूस, घूस लेते हैं। मोहनपुर की जनता घर में कुर्सी लेती है और हमारी की जाती है, उसके विपक्ष में लड़ाई है और का कोई भी काम को योजना को अपने हाथ के थ्रू करेंगे जिसमें जनता घूस ना दे और उसका काम हो जाए। चलिए, तो हमने नेताजी से बात करने के बाद प्रसन्न दिलाया है कि अभी तक जो जनता से घूस ली जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अब जनता से घूस नहीं लेंगे और ना लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनको मदद करने की, आवास दिलाने के लिए, शौचालय दिलाने की और जो भी सरकार की तमाम सुविधाएं हैं वो दिलाने की भरसक प्रयास।